जैसे अभी मेरे से पहले शर्मा जी ने बताया कि आज पूरे देश में कांग्रेस पार्टी पहले चरण में चार मुख्य जगहों के ऊपर प्रेस वार्ता कर रही है और कल पूरे देश भर में लगभग 34 जगह के ऊपर 34 शहरों में पूरे देश भर में प्रेस वार्ता होगी। कांग्रेस के सभी सीनियर लीडर सब जगह पे जाकर के आप लोगों के माध्यम से जनता के बीच में जाकर के पूरे के पूरे मसले को रखेंगे और राहुल गांधी जी को अभी जो पार्लियामेंट से डिस्क्वालीफाई किया है, हम लोग इसको कह रहे हैं डेमोक्रेसी डिस्क्वालीफाइंग। ये पीछे जो पैसा है तो जो प्रेस वार्ता है पूरे देश भर में, इसको हम लोग कह रहे हैं डेमोक्रेसी डिस्क्वालीफाइड। और क्यों हम कह रहे हैं डेमोक्रेसी डिस्क्वालीफाइड, इसको हम विस्तार से समझाने यहां पर आए हैं। और सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि राहुल गांधी जी तो बहाना है, असल में मोडानी को बचाना है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, राहुल गांधी जी तो बहाना है, असल में मोडानी को बचाना है। मोडानी मतलब मोदी जी और अडानी दोनों मिल गए हैं और दोनों के दोनों मोडानी बन गए। और अगर आप पूरे की पूरी डेट्स को जो मैं अभी टाइमलाइन बता रहा हूं उसको अगर आप समझें तो आपको एकदम से समझ में आएगा कि कैसे राहुल गांधी जी बहाना है और असल में मोडानी को बचाना है। सबसे पहले जिसको बेसिस बना करके राहुल जी को डिस्क्वालीफाई किया गया वो स्पीच 2019 में 13 अप्रैल को कर्नाटक के अंदर दिया गया और उसकी कंप्लेंट फाइल करी गई सूरत गुजरात के अंदर, कर्नाटक में नहीं, सूरत गुजरात में फाइल करी गई। और 7 मार्च 2022 को जो कंप्लेनेंट खुद है जो बीजेपी का एमएलए है वो हाईकोर्ट में जाता है और स्टे ले आता है। वो कहता है कि अभी स्टे कर दीजिए, इसके ऊपर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। हाईकोर्ट स्टे दे देती है, ये स्टे लिया जाता है 7 मार्च 2022 को, एक साल पहले। अभी चल रहा है आपका मार्च 2023, तो 7 मार्च 2022 को स्टे लिया जाता है। राहुल जी 7 फरवरी 2023 को, 7 फरवरी पिछले महीने, एक प्रश्न उठाते हैं लोकसभा के अंदर और पूछते हैं कि अडानी जी का और मोदी जी के क्या संबंध है। जैसे ही मोडानी के संबंध की चर्चा करते हैं 7 फरवरी को, एक हफ्ते के बाद में वो आदमी हाईकोर्ट फिर चले जाता है और कहता है कि मेरा जो स्टे दिया हुआ है उसको आप वापस कर दीजिए, अब मैं स्टे मत दीजिए उसके ऊपर, उसको वापस कर दीजिए। वो स्टे उसको वापस कराता है और कोर्ट के अंदर जाता है और बिजली की गति से यहां पर सालों साल नहीं बल्कि दसियों बीसियों साल कोर्ट में केसेस लगे रहते हैं, कोई फैसला नहीं होता। ये 16 फरवरी को स्टे वेकेट होता है और उसके बाद में जाकर के एक महीने के अंदर अंदर फैसला आ जाता है और फैसले के अंदर भी मैक्सिमम जो सेंटेंस है वो उसको दिया जाता है और मैक्सिमम सेंटेंस जो भी थोड़े बहुत लीगल जो जानकार हैं वो जानते हैं कि मैक्सिमम सेंटेंस हैबिचुअल जो बार बार अफेंडर्स होते हैं उनको दिया जाता है या रेयर केसेस के अंदर दिया जाता है। लेकिन ये इसलिए ये दिया जाता है ताकि 2 साल में से अगर एक दिन भी अगर कम होता तो राहुल गांधी जी डिस्क्वालीफाई नहीं हो सकते थे। अब सबसे बड़ा प्रश्न ये उठता है कि राहुल गांधी जी ने 7 फरवरी को जब मोडानी के खिलाफ में बोला उसके बाद में उनको कभी भी लोकसभा में बोलने नहीं दिया। जब भी वो बोलने के लिए खड़े होते तो बीजेपी वाले नारेबाजी करते, जब भी वो बोलने के लिए स्पीकर को एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार स्पीकर को रिक्वेस्ट किया, राइटिंग में रिक्वेस्ट किया, लेकिन स्पीकर ने उनको लोकसभा में बोलने का मौका नहीं दिया। तो अब मैं आप लोगों के माध्यम से हम जनता से पूछना चाहते हैं
कि राहुल गांधी जी डिस्क्वालीफाई हुए हैं या डेमोक्रेसी लोकतंत्र डिस्क्वालीफाई हुआ। जब लोकतंत्र के अंदर विपक्षी पार्टी का प्रमुख नेता लोकसभा के अंदर जो लोकतंत्र का मंदिर है उसमें ही नहीं बोल पाएगा, उसमें ही जनता की आवाज नहीं रख पाएगा, तो कहां पे रखेगा? और फिर लोकतंत्र कहां पे रह जाएगा? कैसा लोकतंत्र रह जाएगा? और जैसे ही डिस्क्वालीफाई करा, 24 घंटे के अंदर अंदर कोर्ट की जजमेंट आते ही डिस्क्वालीफाई, और जैसे ही डिस्क्वालीफाई किया 2 दिन के अंदर अंदर मकान खाली करने का नोटिस। यहां पर बहुत सारे मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट भूतपूर्व हो गए, नाम नहीं लेना चाहता, जम्मू कश्मीर के भी हैं, अभी तक के 3 साल हो गए उनको उनको मकान खाली नहीं कराने के लिए कुछ कहा गया। राहुल गांधी जी को 24 घंटे के अंदर डिस्क्वालीफाई कर दिया गया और 2 दिन 48 घंटे के अंदर मकान खाली करने के लिए कह दिया गया। तो ये लोकतंत्र डिस्क्वालीफाई नहीं हो रहा है तो क्या हो रहा है, आज हम आप लोगों के माध्यम से पूछना चाहते हैं। कांग्रेस पार्टी का बड़ा स्पष्ट कहना है कि ये हमारी लड़ाई राहुल गांधी जी की लड़ाई नहीं है। मैं बड़ा स्पष्ट मैं कहना चाहता हूं, कांग्रेस वर्किंग कमेटी का मेंबर होने के नाते मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं, ये कोई राहुल गांधी जी की लड़ाई हम नहीं लड़ रहे, हम लोकतंत्र की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम पार्लियामेंट से जेपीसी को स्थापित करने की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम लोकतंत्र की लड़ाई लड़ रहे हैं, पार्लियामेंट से जेपीसी स्थापित करने की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम हमारे देश के 30 करोड़ LIC के जो निवेशक हैं जिनका 44,000 करोड़ रुपए अडानी के अंदर अडानी कंपनी में इन्वेस्ट करने की वजह से नुकसान हो गया, हम उनकी लड़ाई